प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री सुरेंद्र पटवा ने कुकलेश्वर में स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सांसद सुधीर गुप्ता सहित क्षेत्र में 64 लाख की लागत से बनने वाले विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया गया। प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री सुरेंद्र पटवा ने गुरुवार को मनासा तहसील के कुकलेश्वर बस स्टैंड पर नगर परिषद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक कैलाश चावला, विधायक दिलीप सिंह परिहार, जगदीश देवड़ा, चंद्र सिंह सिसोदिया, सांसद सुधीर गुप्ता, बंशीलाल गुर्जर, नगरपालिका अध्यक्ष सम्राटलाल पटवा, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष मदनलाल राठौर, हेमंत हरी, टीवी कलाकार शैलेश लोढ़ा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे। समारोह में पर्यटन राज्य मंत्री सुरेंद्र पटवा एवं अतिथियों ने कुकलेश्वर में 64 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण भी किया। इनमें वार्ड नंबर 12 में 30 लाख की लागत सुलभ कॉम्प्लेक्स स्नानघर निर्माण, 14,45,000 से हनुमंतिया के रास्ते पर नवीन दुकान निर्माण, 4,36,000 की लागत से सेंट्रल बैंक के सामने सुविधा घर निर्माण, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा की स्मृति में सांसद निधि से प्रदत्त 14,16,000 की लागत से सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर जिला पंचायत CEO कमलेश भार्गव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह पवार, SDM मनासा PL देवड़ा, परियोजना अधिकारी एस कुमार एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी, पत्रकारगण, पार्षदगण एवं क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।